नमस्कार दोस्तों, अलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में बदल दिया गया है तो उसका एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है INDOSS इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग। तो इस एप्लीकेशन का फुल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है फुल डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, सब कुछ बारीकी से बताएंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और इस एप्लीकेशन को सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते हैं आप INDOSS आप टाइप करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का है जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इस ये कुछ परमिशन मांगेगा तो इसको अलाउ कर देना सिंपली। कुछ देर के बाद इसमें लैंग्वेज का एक ऑप्शन आएगा जिसमें लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज आप एक चूज़ कर लीजिए। जैसे मैंने इंग्लिश को चूज कर लिया। यहाँ पर ध्यान देना इसको नो करना है, ठीक है, इसको नो करना है। और नो करने के बाद आपको सेंड SMS पर क्लिक कर देना सिंपली। जैसे आप इसको नो करेंगे और SMS पर क्लिक करेंगे, परमिशन मांगेंगे, इसको अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। और आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, ये डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये OTP सेंड हो चुका है, अब थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके रेड बटन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा और OTP वेरीफाई हो चुका है मेरा। तो जैसे ही इस पर आपको टिक करना है भीम UPI पे और ओके कर देना है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पर आप नेम टाइप कर लीजिए। जैसे मैंने नेम टाइप कर लिया अर्पित, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ पूरा। और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने लगा, मेल या फीमेल, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ आपको कॉर्नर पे जाके ईयर सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ईयर जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ ईयर, और मंथ सेलेक्ट करने होगा, डेट। तो सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ ईमेल आप एक टाइप कर लेना जो आपका पर्सनल ईमेल हो। ऐसे ईमेल मैंने टाइप कर लिया और एक यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी आप टाइप कर लीजिए। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बर्थ नेम या फिर जो भी हो। ऐसे मैंने टाइप कर लिया और इसको सबमिट कर दिया। तो वेट करते हैं, सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक सेट MPIN, यहाँ पर MPIN रखा जाएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस MPIN को वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा तभी ये लॉगिन होगा। तो मैं एक 4 अंक का MPIN यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और इसको प्रोसेस पर क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाएगा MPIN। अब आएगा इस पर MTPIN। MTPIN को भी ये 4 डिजिट का होता है। जैसे MTPIN आपको टाइप करना है, जैसे उससे डिफरेंट रखना है MTPIN। MTPIN यहाँ पर टाइप कर लिया और फिर इसको आगे चल के प्रोसेस पे फिर क्लिक कर देंगे। बैंकिंग से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। SBI हो या फिर जो भी बैंक आपकी हो, इंडियन बैंक हो, उससे जुड़ी आपको नॉलेज यहाँ वीडियो में दे दी जाएगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं या पूछें। तो इसको करने के बाद इस वेट कर लीजिएगा, लोडिंग होगा, जाके सबमिट कर दीजिए, सक्सेसफुली आ जाएगा UPI रजिस्टर इन कम्प्लीट सक्सेसफुली। डन करने के बाद वो जो पिन बनाया था फर्स्ट टाइम जो MPIN, उस पिन को यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ, उससे लॉगिन होगा। प्लीज़ वेट, लिख के आ चुका है, अब देखते हैं ये लॉगिन होता है या नहीं। तो वेट करते हैं कुछ देर। वेट करने के बाद यहाँ पर परमिशन मांगेगा, आपको कर देना है नो या यस, जो भी करना है। ये फिंगरप्रिंट की पूछता है तो आप कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस ऑप्शन को आप, इसमें लिखा नो UPI ID इज़ अवेलेबल परफॉर्म ट्रांजेक्शन, डू यू वॉन्ट टू क्रिएट UPI? यस, हमको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर UPI ID यहाँ पर डाल के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी ID है, आपको सीधा दिखाएंगे उसका इंटरफेस कैसा है। तो उस एप्लीकेशन को हम खोल लेते हैं। उस एप्लीकेशन को खोलने के बाद आपको
उसका अंदर का सिस्टम दिखाएंगे, क्या क्या है उसमें फीचर, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन होता है या नहीं होता। तो सिंपली मैंने यहाँ पर अपना एम पिन डाल के इसको लॉग इन किया और वेट करते हैं थोड़ा, और ये लॉग इन हो चुका। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ बना लिया, यूपीआई आईडी अपनी क्रिएट कर ली है, और मैं आपको यहाँ पर केवल बैलेंस चेक करके बताने वाला हूँ। यदि ऐसा आपके पास इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे कुछ भी टाइप नहीं होगा, ऊपर सिंपली एक बार टच करना है जहाँ डिजिट टाइप होते हैं, वहाँ पर आप यूपीआई पिन अपना डालकर कुछ देर तक वेट करें। यहाँ पर देखेंगे, वेट करते हैं बैलेंस आता है या नहीं। तो अभी चल रहा प्रोसेसिंग, इसमें कुछ अपडेट और आने बाकी हैं। एक अपडेट आज आया था, मैंने अपडेट कर लिया, और अपडेट आएंगे इसके बाद, इसमें काफ़ी सुधार होना बाकी है। अभी नया आया है तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मनी ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा। मैंने देखा, अभी आपको दिखाएंगे आगे करके होता है या नहीं। देखो टाइम आउट लिख के आया, फिर से दोबारा करना आप हो जाएगा जैसे टाइप, दोबारा से मैं करता हूँ और वेट करता हूँ कुछ देर के लिए, अब देखते हैं ये होता है या नहीं। तो देखिए चेक हो चुका, मेरा बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा होगा 416 रुपये, और ये उसके अंदर का इंटरफेस है। यहाँ पर आप जाके अपना 6 डिजिट आप लास्ट के कार्ड के डाल लीजिएगा, और वैलिडिटी एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर आपका यूपीआई क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 अकाउंट इसमें लिंक कर रखे हैं, किसी से भी ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। लिमिट आपको दिख रही होगी कितनी है, तो उस हिसाब से जैसा आपका अकाउंट है। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट डबल आप इस पर लिंक कर सकते हैं, अपना दूसरा बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पर सर्च करके। आप कोई भी बैंक अकाउंट सर्च कीजिएगा और उस पर क्लिक करके यूपीआई आईडी डाल के उसको आप सेट कर लेंगे। तो जिससे भी आपको ट्रांजेक्शन करना होगा आप जाके कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं, इस वीडियो का और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे इसमें यूपीआई आईडी डाल के आप पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और यहाँ पर सेलेक्ट करके, जैसे मैंने दूसरा यूपीआई सेलेक्ट किया, नीचे लिख किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर मैं ऊपर वाला करता हूँ तो उसमें रिवील आ जाएगा दूसरा बैंक। तो इस तरह का ये एप्लीकेशन है, आप एक बार इसको ट्राई करें। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइए मेरे चैनल से, वहाँ पर सारी आपको जानकारी देंगे। अब आपको यहाँ पर बताते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके कि पैसा ट्रांसफ़र होता है या नहीं, आपके सामने प्रूफ रहेगा। यदि होता है तो आपको दिख जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो मैंने 1 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, यूपीआई पिन डालने के लिए बोला गया, यूपीआई पिन डालता हूँ, वेट करता हूँ। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है, फिर से देखते हैं दोबारा करके, या फिर ये 1 वीक के अंदर शायद है ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होगा। एक या दो बार अपडेट और आने बाकी है, ये तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आपने देख लिया, या तो कल तक या परसों तक ये ज़रूर होने लगेगा, लगता है मुझे ऐसा। अभी इसमें और वहाँ की सुधार होने बाकी है, नया एप्लीकेशन है तो इतनी जल्दी इसमें परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, और आपको यहाँ से क्यूआर कोड मिल जाएंगे अपने यूपीआई के, तो इसको डाउनलोड कीजिएगा, अपनी शॉप पर या कहीं भी आप लगा सकते हैं आसानी से। तो ये अलाहाबाद बैंक जो बदल दी गई इंडियन बैंक में, उसका एक एप्लीकेशन है ये, तो इसका नाम है INDOSS एप्लीकेशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगली वीडियो